नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री भगवंत खूबा ने बेंगलुरु में मंत्री एमबी पाटिल से की मुलाकात। एनआरसी द्वारा रेत माफिया से परिवार के लिए सुरक्षा की मांग करने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। बेंगलुरु दोहरे हत्याकांड में कई मोड़, 3 गिरफ्तार। फ्रांस दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा, हम भारत को 2047 में एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी, जाने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हाल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा आज बेंगलुरु में राज्य के भारी एवं मध्यम उद्योग एवं बुनियादी ढांचा मंत्री एमबी पाटिल को सीपेट का काम शुरू करने के लिए मिले और सहयोग करने का अनुरोध किया। बीदर जिले में कोई भी बड़े उद्योगों की कमी के कारण बेरोजगारी इस कारण भी समस्या से परेशान है। केंद्र सरकार बीदर जिले के विकास के लिए सीपेट को केंद्रीय मंजूरी प्राप्त है। उक्त केंद्र के भवन निर्माण कार्य के लिए औरा तालुका के बल्लूरा गांव के पास से 10 एकड़ जमीन भी जिला प्रशासन की है, इसलिए लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी। वे तुरंत सीपीआईटी केंद्र का काम है, स्टार्टअप आवश्यकता का 50% अनुदान इस बारे में सहयोग करने का अनुरोध किया। एमबी पाटिल को विस्तार से समझाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को एक एनआरआई द्वारा रेत माफिया से अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग करने की अपील के बाद पुलिस को जांच शुरू करने के निर्देश दिए। वर्तमान में कनाडा में रह रही मंजू ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से अपील की थी। मंजू ने ट्वीट किया था, न्याय के लिए तत्काल अपील, हमारा परिवार रेत माफिया के हिंसा का सामना कर रहा है, बुजुर्ग मां पर हमला किया गया, कनाडा से मैं कर्नाटक के सीएम से मदद करने का आग्रह करती हूं, सार्वजनिक उपद्रव को उजागर करने वाले वीडियो साझा कर रही हूं, अन्याय के खिलाफ खड़े हूं। ट्वीट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया, सीएम सिद्धरामैया ने मंजू द्वारा की गई अपील का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को शिकायत के आधार पर तुरंत जांच शुरू करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। शहर में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी के एमडी और सीईओ की मंगलवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को तुमकुरु जिले के कुनिगल में मुख्य आरोपी फेलिक्स सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पिशब्रीश उर्फ फेलिक्स उर्फ जोकर फेलिक्स 27 वर्षीय बनेरगटार रोड पर देवर चिकन हल्ली का रहने वाला है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान भूपेना अग्रहारा के वी विनय रेड्डी 23 वर्ष और मारेनहल्ली के एस संतोष उर्फ संतु 26 वर्ष के रूप में हुई है। इसी बीच मामले की जांच में कई मोड़ आए हैं और आरोपियों ने पूछताछ के दौरान विरोधाभासी बयान दिए हैं। प्रारंभ में यह संदेह था कि पीड़ितों और फेलिक्स के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता दोहरे हत्याकांड का कारण थी। पुलिस बनेरगट्टा रोड पर ब्रॉडबैंड और आईपीसी सेवाएं प्रदान करने वाली एक अन्य कंपनी के मालिक की संलिप्तता की जांच कर रही है, जहां दोनों पीड़ित और फेलिक्स काम कर रहे थे। मामले में नवीनतम मोड़ एक पीड़ित और फेलिक्स के बीच एक महिला सहकर्मी को लेकर लड़ाई है। बनेरगट्टा रोड स्थित कंपनी में काम करने वाली महिला फेलिक्स की करीबी बताई जा रही है। पीड़ितों में से एक सुब्रमण्यम, जो बनेरगट्टा रोड पर फर्म में काम करता था, अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उस महिला के करीब आ रहा था। यह भी आरोप है कि फेलिक्स को उसे दूर रखने के लिए उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसी बीच पुलिस ने बुधवार को बनेरगट्टा रोड स्थित फर्म के मालिक को पूछताछ के लिए उठाया। दोहरे हत्याकांड के बाद फेलिक्स ने उसे कई बार फोन किया, उन्हें केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे से पहले कहा है कि वह भारत को ग्लोबल साउथ के मजबूत कंधों के तौर पर देखते हैं। फ्रेंच अखबार लेस इकोस को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आया है, इसमें भारत फ्रांस की साझेदारी अहम किरदार निभा रही है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया काफी बदल गई है और इस बदली हुई दुनिया में कई सवाल उठते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भारत की बढ़ती आबादी से लेकर 2047 को लेकर अपने विजन तक तमाम मुद्दों पर बात की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के बारे में पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा, मुद्दा सिर्फ विश्वसनीयता का नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मेरा मानना है कि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बहुपक्षीय शासन संरचनाओं के बारे में ईमानदार चर्चा करने की जरूरत है। इन संस्थानों के निर्माण के 8 दशक बाद दुनिया बदल गई है, सदस्य देशों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है,
वैश्विक अर्थव्यवस्था का चरित्र बदल गया है। हम नई तकनीक के युग में रहते हैं। नई शक्तियों का उदय हुआ है जिससे वैश्विक संतुलन में सापेक्ष बदलाव आया है। हम जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, अंतरिक्ष सुरक्षा, महामारी सहित नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष रूप से इस विसंगति का प्रतीक है। हम इसे वैश्विक निकाय का प्राथमिक अंग कैसे कह सकते हैं, जबकि इसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सारे देशों को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह दुनिया की ओर से बोलने का दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका स्थायी सदस्य नहीं है। मुझे लगता है कि अधिकांश देश इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, जिसमें भारत की भूमिका भी शामिल है। मैं इस मामले में फ्रांस द्वारा अपनाई गई स्पष्ट और सुसंगत स्थिति की सराहना करता हूं। भारी बारिश की मार झेल रही राजधानी दिल्ली को थोड़ी राहत मिली है। पिछले दिल्ली में खूब बारिश देखने को मिली थी, साथ ही हरियाणा के बराज डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। साथ ही दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में बुधवार को हल्की बारिश देखने को मिली, लेकिन मौसम पूरे दिन सुहाना बना रहा। मौसम विभाग की माने तो अब 15 और 16 जुलाई को बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले सप्ताह बारिश के आसार बने हुए हैं। इस दौरान अनुमान लगाया गया है कि शनिवार और रविवार को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। इस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का निर्देश दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टेक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलोर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज वो नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CPM नेताओं की तुलना में ज्यादा निरंकुश है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से यह बात कही। रविशंकर प्रसाद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले और उस दौरान हिंसा की घटनाओं की समीक्षा करने के लिए 4 सदस्यीय केंद्रीय फैक्ट फाइंडिंग टीम के हिस्से के रूप में बुधवार को कोलकाता पहुंचे। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य 3 सदस्य मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त सत्यपाल सिंह और भाजपा सांसद राजदीप रॉय और रेखा वर्मा हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें हमारी पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने हालात की समीक्षा करने के लिए यहां भेजा है। हम वापस लौटने पर उन्हें एक रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा, मेरा सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है, जिन्होंने राज्य में 34 साल के वाम मोर्चा शासन को खत्म करने के लिए बहुत संघर्ष किया। हमें खुशी है कि वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वह अपने निरंकुश रवैये में CPM नेताओं से कई कदम आगे निकल गई। प्रसाद ने पूछा,
कि सीएम ममता निरंकुश राजनीति के इस रास्ते पर क्यों चल रही है। पिछले 24 घंटे में 5 अमरनाथ तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जिसके बाद इस वर्ष की यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उन्होंने बताया कि 3 तीर्थयात्रियों की मौत यात्रा के पहलगाम मार्ग पर और 2 की मौत बालटाल मार्ग पर हुई। इनमें 2 उत्तर प्रदेश और 2 मध्य प्रदेश के रहने वाले, जबकि 1 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अधिकारियों के अनुसार इस साल की यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या 19 है। 19 लोगों में यात्री ड्यूटी में तैनात रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस IGBP का एक अधिकारी और एक सेवाधार भी शामिल है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा काफी ऊंचाई पर है, ऐसे में कम ऑक्सीजन सांद्रता के कारण हृदय गति रुकना तीर्थयात्रियों और वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों की मौत की सामान्य वजहों में से एक है। प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग की झलक पाने के लिए मंगलवार तक 1,37,353 तीर्थयात्री गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली इन दिनों बाढ़ की मार झेल रही है। यमुना का जलस्तर फिलहाल 208 मीटर के ऊपर है। आज यमुना का जलस्तर 208.46 पहुंच गया है, जबकि बुधवार की रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 208.07 पर बना हुआ था। बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने व बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है और यह अपील उन्होंने ट्वीट करके किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब पानी 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। बढ़ते हुए जलस्तर के कारण यमुना के आसपास की सड़कों पर आ गया है। आपसे अनुरोध है कि इस रास्ते पर ना जाएं। जिन आबादी वाले इलाकों में पानी भरा है वहां से लोगों को खाली करा रहे हैं। वहां रहने वालों से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करे। लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। सभी दिल्ली वालों से अपील है कि इस आपातकाल स्थिति में एक दूसरे का हर संभव सहयोग करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं।
और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलोर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज वो नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि मॉनसून कल थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन 14 जुलाई से फिर तेज हो जाएगा और अगले 4 से 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। शिमला मौसम विभाग के प्रमुख सुरेंद्र पाल ने PTI को बताया, बुधवार और गुरुवार को बारिश की तीव्रता कम होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून थोड़ा कमजोर होगा और हल्की बारिश होगी। हालांकि 14 जुलाई से मॉनसून एक बार फिर तेज हो जाएगा और अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। 14 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के नवीनतम पूर्वानुमान के परिणाम स्वरूप यमुना में जलस्तर बढ़ सकता है और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति खराब हो सकती है। इसी बीच केजरीवाल ने यमुना के आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत अपने घर खाली करने का अनुरोध किया है। PTI ने राजनिवास के अधिकारियों के हवाले से बताया कि दिल्ली के LGVK सक्सेना ने यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गुरुवार को
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट में चीन के एक हैकिंग समूह द्वारा पश्चिमी यूरोप में सरकारी एजेंसियों के ईमेल अकाउंट में सेंधमारी की जाने का दावा किया गया है। जाने के दावे को दुष्प्रचार करार देते हुए बीजिंग ने कहा है कि इस आरोप का मकसद अमेरिका की साइबर गतिविधियों से ध्यान भटकाना है। मंगलवार को प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि स्टॉर्म 0558 नाम से पहचाना गया यह समूह जासूसी और डेटा चोरी जैसे कृत्यों की फिराक में रहता है। समूह ने ईमेल अकाउंट में सेंध लगाकर सरकारी एजेंसियों और इन संगठनों से जुड़े लोगों के अकाउंट सहित करीब 25 संगठनों को प्रभावित किया है। साथ ही ग्राहकों द्वारा माइक्रोसॉफ्ट को असामान्य ईमेल गतिविधियों की शिकायत किए जाने तक करीब एक महीने यह गतिविधि बेरोक टोक जारी रही। सुरक्षा मामलों पर माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी उपप्रमुख चार्ली बेल ने कहा, हमने यह पाया है कि समूह खुफिया सूचना जुटाने के लिए ईमेल में सेंध लगाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंत्री भगवंत खूबा ने बेंगलुरु में मंत्री एमबी पाटिल से की मुलाकात। एनआरसी द्वारा रेत माफिया से परिवार के लिए सुरक्षा की मांग करने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। बेंगलुरु दौरे हत्याकांड में कई मोड़, 3 गिरफ्तार। फ्रांस दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा, हम भारत को 2047 में एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी, जाने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हाल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।